अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक फ़ैन डिमर बनाएंगे। आमतौर पे जो मार्केट में फ़ैन डिमर मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम इन्हें यूपीएस पे इन्वर्टर पे यूज़ करते हैं तब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आज एक ऐसा फ़ैन डिमर बनाएंगे जिसके वाट भी बहुत ज़्यादा हैं। आमतौर पे जो फ़ैन होता है वो 60-70 वाट से लेके 100 वाट तक का होता है, लेकिन जो डिमर है वो भी 100 वाट से ज़्यादा नहीं बनाया जाता। ये जो डिमर है ये 800 वाट तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है वो है ट्राइक। ये BT136 ट्राइक है। इसकी जो आउटपुट है या इसका जो लोड है वो 800 वाट तक ये बर्दाश्त कर सकता है, और इसका जो डिमर बनेगा वो बहुत ही आला क्वालिटी का होगा। आमतौर पे जो डिमर बनाए जाते हैं उनमें ये नहीं लगाया जाता, बहुत छोटा सा एक 100 वाट तक का ट्राइक लगाया जाता है। उसके बाद एक पोटेंशियोमीटर है, ये 500 के का है, ये आप देख सकते हैं 500 के का। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो डाइक है, और फिर एक कैपेसिटर है जो कि 0.1 UF और 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, और एक रेजिस्टर 4.7 के की रेजिस्टर है, और ये एक छोटा सा PCB है। तो सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले इनपुट में लोड है, लोड के बाद में डायरेक्ट 220 जो है वो जो ट्राइक है उसके टर्मिनल 1 पे दी जा रही है। ये देखिए MT2 मतलब मेन टर्मिनल 2 और MT1 मेन टर्मिनल 1, और उसके बाद में ये गेट है। तो ये तीन टर्मिनल होते हैं, ये MT1 MT2 और ये गेट है। तो ये हो गया। उसके बाद डाइक जो है गेट के साथ डाइक लगता है, ये डाइक है, इसने यहाँ लगना है। और रेजिस्टर जो है 4.7 के का रेजिस्टर वो मेन से यहाँ पे लगेगा, और जो पोटेंशियोमीटर है हमारा वो यहाँ पे लगेगा इस तरह, और कैपेसिटर जो है 0.1 जो है 400 वोल्ट का वो यहाँ पे लगेगा। तो ये सर्किट है, बहुत ही आसान सर्किट है, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बेहतरीन कंपोनेंट हैं। इससे आप 800 वाट तक का लोड कर चला सकते हैं। बाद में एक टर्मिनल जो कि कनेक्शन के लिए होगा, और नाब इसमें ज़रूरी चाहिए पोटेंशियोमीटर को क्योंकि ये AC पे है, और ये बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है उसको।
मिनिमम भी ये देखें कितने किस लेवल पे चला गया, ये देखें जितना आप चाहे कम कर सकते हैं इसे, ये देखें तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।